आज हम पढ़ेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। और अगर एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें हम डिस्कस करते हैं वो वाले कंपोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग हैं, मतलब ये कि जो कि बेजान हैं। और अगर उनकी बात करें कि फर्दर उनमें कौन कौन से आते हैं तो जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं, सनलाइट जैसे कि सूरज की रोशनी, विंड हवा, रेन बारिश, वाटर है, इसके अलावा सॉइल यानी कि मिट्टी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, बेजान हैं और जिन्हें कि नॉन लिविंग कहा जाता है। तो जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उन्हें क्या कहते हैं कि वो क्या है, हमारे इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स में। और अगर हम उनकी टाइप्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, फिर सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे टोपोग्राफिक फैक्टर्स, और थर्ड जो हैं वो हैं एडाफिक फैक्टर्स। तो उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स की कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन से वाले फैक्टर्स हैं। तो हम देखते हैं कि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट यानी कि जो मौसम है, वो किसी भी रीजन का किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वहाँ के उस एरिया की वेदर कंडीशंस के ऊपर। और अगर वेदर कंडीशंस की बात करें कि फर्दर हम देखते हैं कि वेदर कंडीशंस में कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, उसमें हम देखते हैं लाइट, टेम्परेचर, वाटर, विंड, फायर, सॉइल, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। अब इसमें अगर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लाइट की कि लाइट क्या है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो लाइट है, और लाइट हम देखें तो जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, उसके ऊपर लाइट कहाँ से आती है, सन से, सूरज से। तो जो लाइट है वो क्या है, वो रेडिएंट फॉर्म है एनर्जी की। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और इसके अलावा जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करें, वो डिपेंड कर रहे हैं लाइट के ऊपर। अब हम प्लांट्स की बात करते हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स के लिए या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के लिए जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका बहुत अहम रोल है। तो उसमें हम देखते हैं कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल किस तरह से है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और वो अपनी फूड किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं एक प्रोसेस से जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए से प्लांट्स अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लांट्स का जो ग्रीन कलर है वो किस वजह से होता है, वो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या मौजूद है, क्लोरोफिल। अब हम देखते हैं कि ये जो लाइट है इसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा ये जो एरो हम देख रहे हैं जो अंदर की साइड पे शो करें, ये देख रहे हैं कि इसके अलावा वाटर का इंटेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ये, और वाटर को इस्तेमाल करते हुए लाइट एनर्जी की सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। और वो फूड किस फॉर्म में होती है, ग्लूकोज की फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। और साथ में हम देखते हैं कि वो ऑक्सीजन देते हैं बाहर। और ये जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम देख रहे हैं कि वो अपनी फूड प्रिपेयर कर रहा है, ग्लूकोज को प्रिपेयर कर रहा है, क्या है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कब होता है, लाइट एनर्जी की मौजूदगी में, लाइट एनर्जी को यूज़ करते हुए। अब हम देखते हैं कि जो लाइट है, अगर उसकी बात की कि कितने परसेंट लाइट जो है प्लांट यूज करता है, तो हम देखते हैं कि टोटल 3% सनलाइट जो कि हमारी जमीन के ऊपर फॉल करती है, उसका 3% हिस्सा जो है हमारे प्लांट्स जो हैं वो यूज करते हैं। इसके अलावा लाइट की फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज जो हैं उनको हम देखते हैं कि उनका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है प्लांट की ग्रोथ के ऊपर, प्लांट की डेवलपमेंट के ऊपर। तो अगर उन प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि लाइट की फर्दर वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसमें हम देखते हैं वो है लाइट की क्वालिटी, कि लाइट जो है वो किस तरह की है, ठीक है, जिसे हम फर्दर अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डे लेंथ, डे लेंथ को क्या कहा जा सकता है, फोटोपीरियड कहा जा सकता है। इसके अलावा लाइट की जो इंटेंसिटी है ये क्या है, ये भी लाइट की एक प्रॉपर्टी है। तो अगर हम सबसे पहले बात कर ले लाइट की क्वालिटी की, तो क्वालिटी में क्या होगा, सबसे पहले ये डिपेंड करेगा कि जो लाइट है वो किस एंगल के साथ प्लांट के ऊपर पड़ रही है, मतलब ये कि जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि लाइट जो है वो डायरेक्ट फॉल नहीं कर रही होती हर लीफ के ऊपर, हर प्लांट के ऊपर, वो कोई ना कोई एंगल बना रही है। तो ये जिस एंगल के साथ टकराती है उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम देखते हैं कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसके अलावा ये कि कौन सा सीजन है और डे का कौन सा टाइम है जिस टाइम के ऊपर ये जो सनलाइट है वो प्लांट के ऊपर फॉल करी है। और ये इनका हम देखते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल है प्लांट डेवलपमेंट के ऊपर। इसके अलावा हम देखते हैं क्लोरोफिल के डेवलपमेंट के ऊपर। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाए तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं लाइट की, तो फिर हम फर्दर देखते हैं कि इस तरह से प्लांट की लाइट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर सकते हैं, प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं दो में। उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हेलियोफाइट्स या हेलियोफिटिक प्लांट्स की। अब अगर इन प्लांट्स की बात करें कि कौन से वाले प्लांट्स हैं, तो हम देखते हैं कि जो सन लविंग प्लांट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो प्लांट्स जिनकी ग्रोथ के लिए सूरज का एक्सपोजर जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट उनके ऊपर पड़े, इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो कौन से हैं, वो हेलियोफाइट्स या हेलियोफिटिक प्लांट। जिसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कोकोनट प्लांट, इसके अलावा मैंगो जो है वो भी हेलियोफिटिक प्लांट की एग्जाम्पल है। अब अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें कि सेकेंड कौन सी है, तो उसमें हम देखते हैं सिशियोफाइट्स या सिशियोफिटिक प्लांट्स जो हैं। अब अगर इनमें देखें कि फर्दर कौन से प्लांट्स आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हैं ये शेड लिविंग प्लांट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं शेड लिविंग ट्रीज हैं। शेड लिविंग कौन से होंगे, जिनको हम देखते हैं कि ज़्यादा सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। अब ये जो शेड लिविंग प्लांट्स हैं इसमें हम देखते हैं कि नेचुरली ज़्यादातर क्या होता है, फॉरेस्ट में ये वाले प्लांट्स जो है फॉरेस्ट फ्लोर पे प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ अगर हम डायग्राम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, फॉरेस्ट फ्लोर की डायग्राम दिखाई हुई है, और उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या मौजूद हैं, फर्न्स। तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात देखें तो ऑर्किड्स और फर्न्स जो हैं किसके एग्जाम्पल हैं, ये शेड लिविंग प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट की बात करें, अगर हम जंगल की बात करें तो वहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि canopy of trees, मतलब ये कि यहाँ पर हम देखें जितने बड़े बड़े दरख्त हैं अगर उनको ऊपर से देखा जाए तो वो एक छत की तरह से बन जाते हैं, और उनके जो पत्ते हैं उनकी यहाँ पर क्या हो जाती है, शेड पड़ता है, उनकी छाँव होती है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट जो है वो सनलाइट इनके ऊपर फॉल नहीं करी, और यहाँ पर क्या मौजूद हैं, फर्न्स जो कि शेड लिविंग प्लांट्स हैं, जो सिशियोफिटिक प्लांट्स हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो वो क्या थी, डे लेंथ और फोटो पीरियड। अब डे लेंथ जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये कौन सा वाला ड्यूरेशन होता है, वो ड्यूरेशन होता है जिसमें कि लाइट जो है फॉल करी होती है, या फिर हम कह सकते हैं वो दौरानिया, जैसे हम देखते हैं कि अगर हम कंट्रास्ट करें डार्कनेस के साथ तो जो वो वाला टाइम पीरियड जिसमें लाइट फॉल करती है वो क्या है, वो फोटो पीरियड है। अब फोटो पीरियड का प्लांट की फ्लावरिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसके अलावा प्लांट की ग्रोथ के ऊपर, लीफ फॉल के ऊपर और डॉर्मेंसी के ऊपर। अब अगर हम फ्लावरिंग की बात करें तो हमने जैसे कि अपने पहले वीडियोस में डिस्कस किया था कि फोटो पीरियड की बेस पे हम प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स के ऊपर। मतलब ये कि जो लाइट का पीरियड है वो ये चीज़ डिपेंड उसके ऊपर डिपेंड करती है कि फ्लावरिंग कब होगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वो जो लाइट की ये प्रॉपर्टी है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट लाइफ के ऊपर। अब अगर हम एनिमल लाइफ की बात करें या एनिमल बिहेवियर की बात करें कि एनिमल बिहेवियर के ऊपर डे लेंथ का या फोटो पीरियड का क्या इफ़ेक्ट होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि एनिमल बिहेवियर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। उसमें हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होती हैं, जिन्हें के बायोलॉजिकल रिदम्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो किस तरह से कंट्रोल होती हैं, वो फोटो पीरियड से। और अगर हम उसमें एग्जाम्पल देखें कि कौन कौन सी एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर सकते हैं, तो उसमें जैसे कि नेस्टिंग बिहेवियर है। नेस्टिंग बिहेवियर मतलब ये कि जो घोंसला बनाने का उनका जो बिहेवियर है वो हम देखते हैं कि वो स्प्रिंग सीजन में होता है, बाहर के मौसम में। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे बर्ड्स जो हैं, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो ऑटम में, मतलब ये कि ख़ज़ा में माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं। तो उन्हें किस तरह से पता लगता है कि उन्होंने कब माइग्रेशन करती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डे लेंथ के ऊपर। अब अगर हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, जो हम लाइट की थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, वो है लाइट क्वालिटी, कि क्या क्वालिटी होगी लाइट की। तो उसमें हम सबसे पहले विजिबल वेवलेंथ की बात कर लेते हैं कि जो लाइट की विजिबल वेवलेंथ है, जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि वो कितनी होती है, उसमें हम देखते हैं कि वो 400 नैनोमीटर से उसकी रेंज जो है वो कहाँ तक आती है, 760 नैनोमीटर, जो कि बहुत स्मॉल सेक्शन है। अगर हम पूरे के पूरे इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें, जो कि सोलर रेडिएशन का जो हम स्पेक्ट्रम है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें अगर हम देखें विजिबल लाइट को तो वो बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, लेकिन यहाँ पर हम इनलार्ज करके देख रहे हैं विजिबल लाइट को जो किस रेंज में फॉल करती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। अब इसमें कलर्स को अगर हम देखें तो कितने कलर्स हैं, इसमें 7 कलर्स हैं। अब अगर हम साथ में प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स में जो मौजूद क्लोरोफिल है वो कौन से वाले कलर्स या कौन से वाली वेवलेंथ को यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उसमें हम देखते हैं कि जो क्लोरोफिल है वो रेड और ब्लू वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और उसको यूटिलाइज़ करता है अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए। मतलब ये कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, रेड और ब्लू कलर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एबायोटिक कंपोनेंट्स, और एबायोटिक कंपोनेंट्स में फर्दर हमने डिस्कस किया क्लाइमेटिक फैक्टर में लाइट को, और जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।